हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो, कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट। ये डिज़ाइन सिर्फ 12 रोज का डिज़ाइन है, आपको ये 12 रोज रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 14 + 2 एज स्टेज में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 14 + 2। रॉन्ग साइड पे से दिखता है, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 14 ओनली 1 × 14 + 2 एज स्टिच करके टोटल 16 फंदा डाला है। इसमें मैंने सिर्फ एक ही बार रिपीट करूँगी। फर्स्ट रो आपको एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा स्लिप करने के बाद धागे को पीछे रखना है। अब 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। अब धागा आगे करना है। अब 6 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फिर से धागा पीछे करना है। अब 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 4 फंदा सीधा, 2, 4, 6 फंदा उल्टा, 2, 4, 6, फिर 2, 4 फंदा सीधा, 2, 4। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार। फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया है, इसको सीधा होना है। यहाँ तक मैंने सिर्फ एक ही बार रिपीट किया है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो राइट साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। थर्ड रो आपको रो 1 जैसे बुनना है। 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, फिर धागा आगे। अब 6 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर धागा पीछे। अब फिर से 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। यहाँ तक मैंने 2 बार रिपीट किया है, सॉरी 1 ही बार रिपीट किया है। स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 4 फंदा सीधा, 2, 4, 6 फंदा उल्टा, 2, 4, 6, फिर लास्ट में 4 फंदा सीधा, 2, 4। अब ये रिपीट करना है। फिर आपको लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसको सीधा बनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। और फोर्थ रो ये रॉन्ग साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागे को आगे रखना है। 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर धागा पीछे। अब 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे। अब 6 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर धागा पीछे। अब 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे। अब लास्ट में 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। यहाँ तक एक ही बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। इस स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, फिर 1 फंदा सीधा, फिर बीच में 6 फंदा उल्टा, 2, 4, 6, फिर 1 फंदा सीधा, फिर लास्ट में 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। अब ये रिपीट करना है। फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसको उल्टा बुनना है। 4th
फोर रो कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो राइट साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे, अब एक फंदा को उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे, अब आठ फंदा को सीधा बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदा सीधा, फिर धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। यहाँ तक एक ही बार रिपीट किया है, स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये रिपीट करना है, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसको सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है। सिक्स रो, सिक्स रो रॉन्ग साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, अब आठ फंदा को उल्टा बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करना है, अब एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, अब एक फंदा लास्ट में एक फंदा उल्टा बुनना है। अब ये रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर बीच में दस फंदा उल्टा, दो चार छः आठ दस, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसको उल्टा बुनना है। सिक्स रो कम्प्लीट कर लिया है। सेवन रो, एक फंदा कैसे स्लिप करना है, राइट साइड फिर एक धागा आगे करना है, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, अब बारह फंदा सीधा बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, फिर धागा आगे करना है, लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, फिर बारह फंदा सीधा, दो चार छः आठ दस बारह, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया, धागा पीछे करना है, एक जिस चीज़ को सीधा बुनना है। सेवन रो कम्प्लीट कर लिया है। अब एट रो, एट रो रॉन्ग साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागे को आगे रखना है, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करना है, अब दस फंदा को उल्टा बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करना है, अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, अब लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक मैंने सिर्फ एक ही बार रिपीट किया है। आपको रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ये बीच में दस फंदा उल्टा, दो चार छः आठ दस, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसको उल्टा बुनना है। एट रो कम्प्लीट कर लिया है। नाइन्थ रो, नाइन्थ रो राइट साइड एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा सीधा, एक
फिर धागा आगे करना है एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदा सीधा, फिर धागा आगे करना है, अब एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, अब दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये रिपीट करना है आपको, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर एक फंदा उल्टा, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। अब ये रिपीट करना है, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसको सीधा बनना है। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, टेन्थ रो, टेन्थ रो रॉन्ग साइड, एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को आगे रखना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, अब छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, अब लास्ट में तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, ये स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, फिर बीच में छः फंदा उल्टा, दो चार छः, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसको उल्टा बुनना है। टेन रो कंप्लीट कर लिया है, अब इलेवन रो, इलेवन रो ये राइट साइड, एक फंदा कैसे स्लिप करना है, फिर ऐसे आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागे को पीछे रखना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर धागा आगे, अब छः फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा पीछे, अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर छः फंदा उल्टा, दो चार छः, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, फिर आपको लास्ट में एक फंदा बच गया जिसको सीधा बोलना है। इलेवन रो कंप्लीट कर लिया है, ट्वेल्व रो, ट्वेल्व रो रॉन्ग साइड, आपको लास्ट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ट्वेल्व रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ट्वेल्व रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको वन से ट्वेल्व रो तक ही रिपीट करना है, फिर से यहाँ से आपको राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है, अब यहाँ से फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।